बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। तो हमारे पास ये डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर हमारे पास क्या होता है? द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है कि अगर वेक्टर ए है, बी है, इसकी एक ही डायरेक्शन हो। ये देखो, इस तरफ हमारे पास डायरेक्शन है। अगर ये हम देख लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर, कि इनकी सेम मैग्नीट्यूड है और सेम ही डायरेक्शन है। जैसे ए, फॉर एग्ज़ाम्पल ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, कि पैरेलल वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। जैसे ये देखो, हमारे पास एक वेक्टर ये है, इसको सी ले लेते हैं, और एक वेक्टर हमारे पास ये है, इसको डी ले लेते हैं। तो ये देखो, इनकी सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। जैसे ये देखो, ये अगर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, दूसरा अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो हमारे पास वही है और इसकी मैग्नीट्यूड इसकी भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कहेंगे? ये भी हमारे पास क्या है? इक्वल वेक्टर। कि यानी इसमें क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, और सेम डायरेक्शन हो, तो इसको क्या बोल देते हैं? इक्वल वेक्टर। आगे हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर की तहलील, वेक्टर को तकसीम कर देना। तो ये हमारे पास क्या है? दी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? तकसीम कर देना, डिवाइड कर देना ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स। कि वो कह रहा है कि हम वेक्टर को इसके पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, इनटू इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, इट्स पार्ट्स आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। कि हमारे पास जो वेक्टर के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स हिस्से होते हैं, उसको उसकी कंपोनेंट भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये देखो, हमारे पास वेक्टर ए है, इसको हमने इसके कंपोनेंट में या छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ए को हमने क्या कह दिया है? ए एक्स, ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसको ए एक्स का नाम दे दिया। ये वाई एक्सिस पे है, तो इसको ए वाई का नाम दे दिया। तो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक्स के साथ आई लगाते हैं और वाई के साथ जे, अगर जेड होता तो इसके साथ क्या लगाते? के। तो वही हमारे पास है कि डेफिनेशन में द स्प्लिटिंग, ये वाला वेक्टर इसको डिवाइड कर दें इनटू इट्स पार्ट्स, इसके हिस्सों में, एक पार्ट ये और एक ये वाला, और इस पार्ट्स को, ये वाले जो पार्ट्स हैं, इसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ए एक्स आई ए एंड ए वाई जे आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। वो कहता है कि ये ए एक्स आई एंड ए वाई जे ये किसके कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं किसके? वेक्टर ए के। तो इसको क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। जैसे ये देखो, एक और कि हमारे पास वेक्टर बी है, तो इसको इसके कंपोनेंट में अगर डिवाइड कर दें, कि ये देखो एक वेक्टर ये, जैसे ये देखो इस तरह हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर बी था, इसको इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसको बी एक्स आई। ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस पे है, तो इसको क्या कहेंगे? बी वाई जे। कि इस वेक्टर ए को इसके कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर दिया, यानी तहलील कर दिया, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक, 2 डेफिनेशन, एक इक्वल वेक्टर क्या होता है और दूसरा हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।